मैं बहुत दूर से आई हूँ। कहते हैं कि दुख शेयर करने से दुख कम हो जाते हैं, खुशियाँ शेयर करने से खुशियाँ ज़्यादा हो जाती है। तो अपनी दुख और खुशियाँ शेयर करने के लिए आई हूँ आपके पास। एक्चुअली मैं कोई स्क्रिप्ट भी तैयार करके नहीं आई हूँ, ना ही कोई प्रेजेंटेशन। जो भी कुछ कहूँगी, मेरे विश्वास की बातें कहूँगी। ये विश्वास डॉक्टर बीआरसी सर के ऊपर, ये विश्वास डॉक्टर नमिता मैम के ऊपर, और ये विश्वास हमारा जो टू पॉट मेथड बनाया उनके ऊपर। मेरी छोटी सी फैमिली, ये मेरा बड़ा बेटा छोटी बच्ची। बड़े बेटे को तो कभी भी CVC टेस्ट भी नहीं करवाना पड़ा, पर अचानक एक दिन क्या हो गया, छोटी बेटी को डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर अचानक से कह रही है कि अभी के अभी इसे खून चढ़ाओ, बच्चे की हालत बहुत ख़राब है। उस खौफनाक दिन के बारे में आज भी सोचती हूँ तो डर जाती हूँ। पर डॉक्टर नमिता मैम ने हमें कहा था, डर के आगे ही जीत होते हैं। ये थैलासीमिया की वजह से कहाँ कहाँ नहीं गई थी, किस किस के पास नहीं गई थी, सबने एडवाइस दे के छोड़ दिया। पर ये सिचुएशन के साथ लड़ाई करने के लिए जो स्ट्रांग मेंटल सपोर्ट चाहिए, वो कहीं से नहीं, बस डॉक्टर बीआरसी सर की यही प्लेटफॉर्म से मिली है। और वो स्ट्रांग मेंटल सपोर्ट मुझे डॉक्टर नमिता मैम से ही मिली है। पहली बार जब डायग्नोसिस हुआ था मेरी बेटी की, वो थैलासीमिया मेजर है। मैंने उस दिन हमारी लोकल डॉक्टर को कहा था कि मैं बीआरसी सर की फॉलोअर हूँ, मैं उनके पास जाऊँगी, वो ज़रूर कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेगी। डॉक्टर मुझ पर हंसी थी, कह रही थी कि यहाँ पे तो RBC टूट जाते हैं, बीआरसी कहाँ से आ गई है। बेटी की बीमारी से शायद अब पागल तो नहीं हो गए, तो मैं पागल ही हो जाता अगर ये धरती, ये मिट्टी, ये नेचर डॉक्टर बीआरसी सर को जन्म नहीं देता। तो अगर ये प्लेटफॉर्म डॉक्टर नमिता जैसी एक एंजेल को हमारे पास ना भेजती तो, और ये प्लेटफॉर्म डॉक्टर नमिता पागल की तरह ढूंढते ढूंढते ये टू पॉट और जीरो वोल्ट थेरापी की ये सॉल्यूशन हमारे पास नहीं लाती तो, मैं बहुत दिन हो गई है ये प्रोटोकॉल फॉलो कर रही हूँ, बहुत दिन, एक साल हो गई है। मेरी बच्ची तब से रॉ डाइट पे है, बिल्कुल रॉ डाइट पे है। छोटी सी बच्ची, सब कुछ खाते हैं सब लोग, पर मेरे बच्चे कुछ नहीं खाते हैं, बस DIP डाइट पे ही है। इतने दिनों से जब रिजल्ट्स नहीं मिल रही थे, तब हमने इमरजेंसी टीम से डॉक्टर नमिता मैम के साथ मुलाकात करवाया हमें। और तब जब डॉक्टर नमिता मैम कहा तुम ब्लाइंडली रिलीजियसली फॉलो करो, एक ना एक दिन तुम्हें रिजल्ट ज़रूर मिलेगी, मैंने तब से रिलीजियसली ब्लाइंडली स्ट्रिक्टली आंखें बंद करके ये प्रोटोकॉल को फॉलो करती रही। फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल रही थी, हर महीने पे खून पे खून, खून पे खून चढ़े जा रही थी। एक दिन अचानक मैं प्रेयर में थी, फिर से डॉक्टर नमिता की याद आ रही थी, तब फिर से हमने उनके साथ कांटेक्ट किया। और उस वक्त उन्होंने कहा ठीक है, मैं क्लोजली मॉनिटर कर रही हूँ और डॉक्टर बीआरसी सर के साथ सब कुछ बात कर रही हूँ। और तभी डॉक्टर बीआरसी सर ने ये खून का रिश्ता प्रोग्राम रखा है। जब पहली बार मेरी बच्ची की डायग्नोसिस हुआ था, हमने OPD में एडमिशन लिया था, उस वक्त डॉक्टर बीआरसी सर ने एक वॉइस मैसेज भेजा था। उस वक्त डॉक्टर बीआरसी सर को हमने क्वेश्चन किया था, क्या थैलेसीमिया मेजर क्यूरेबल है? डॉक्टर बीआरसी सर ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा यस इट इज़ क्यूरेबल। और उस दिन बहुत हिम्मत मिली है हमें इस सिचुएशन के साथ लड़ाई करने के लिए। फिर जब हम लोग ये प्रोटोकॉल फॉलो करते करते एक दिन फ्रस्ट्रेशन पे आ गई थी, उस दिन फिर से डॉक्टर नमिता मैम ने डॉक्टर बीआरसी सर के साथ बात करके ये खून का रिश्ता प्रोग्राम करवाया। और ये खून का रिश्ता प्रोग्राम पे
जब डॉक्टर बीआरसी सर ने फिर से कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा थैलेसेमिया इज नॉट ए जेनेटिक डिसऑर्डर, फिर से उस दिन मुझे हिम्मत मिली है और फिर से बहुत स्ट्रिक्टली ब्लाइंडली रिलीजियसली मैं प्रोटोकॉल फॉलो करती रही। और जब प्रोटोकॉल फॉलो करते करते बस उसके रिजल्ट नहीं आ रही थे, हर एक महीने पे नीडल ड्रॉप, हर एक महीने पे कैनूला, मुझे और दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक एक दिन क्या हो गया पता नहीं, जब देख रही थी कि सारे रास्ते बंद हो गई है, सब कुछ 100% फॉलो कर रही है मेरी बच्ची, फिर भी वो ठीक क्यों नहीं हो रही है, तब मैम ने कहा कोई ना कोई सलूशन ज़रूर आएगी। जितनी बार ट्रांसफ्यूशन हुई थी मैम उतनी बार मुझे एक बात कहा था, डोंट प्लीज डोंट लूज योर होप, ये पूरी जर्नी में हम तुम्हारे साथ हूँ और हमारे साथ हमारे गॉड है, ये जर्नी हम जीत जाएंगे, ये जंग हम जीत जाएंगे। बार बार उन्हीं की यही मोटिवेशन, यही मेंटल स्ट्रांग मेंटल सपोर्ट मुझे लड़ाई करने की हिम्मत दी है। और लास्ट टाइम हमने 9 नवंबर बच्चे को ब्लड चढ़ाया, मैं हर एक महीने पे बच्चे को 4 आने तक इंतज़ार करती हूँ कि 4 जब तक ना आ जाए तब तक मैं ट्रांसफ्यूशन को अवॉइड करने की कोशिश करूँगी और जब तक मुझे रहा नहीं जाएगी तब जाके मैं ट्रांसफ्यूशन करूँगी। तो 9 नवंबर हमने लास्ट ट्रांसफ्यूशन की थी, उसकी 21 डेज पे ही उसकी सिम्टम्स आ जाती है, पर आज बहुत दिन हो गई है उसकी कोई सिम्टम नहीं है। और लास्ट टाइम 9 दिसंबर हमने उसकी टेस्ट करवाया और टेस्ट करने के बाद जब रिपोर्ट्स आई थी मैं खुद भी विश्वास नहीं कर पाई थी, उसकी 10.2 हो गई है उस दिन। जब सारे रास्ते बंद हो रही थी, कहते हैं जब एक रास्ता बंद होते हैं तो और एक रास्ता खोल जाते हैं, हमारे लिए तो 2 रास्ता खोल गए थे। एक रास्ते का नाम है 0 वोल्ट थेरापी और एक रास्ते का नाम है हमारे जो वाटर इंजीनियर अजय दुबे सर उनकी 2 पॉट लिविंग वाटर। ये दोनों मेथड को 0 वोल्ट थेरापी को हम लोग पागल की तरह फॉलो करती रही, पूरी रात बच्चे के पैर में बांध देते थे 0 वोल्ट थेरापी, 8-10 घंटा 0 वोल्ट थेरापी में रहे, पूरी दिन पानी पिए और DIP डाइट जो भी है वो फॉलो करें। और ये फॉलो करते करते आज बहुत दिन हो गई है, कफ नक सिम्टम मेरे बच्चे में बिल्कुल नहीं है। मैं कभी कभी सोचती हूँ ये डॉक्टर नमिता में इतनी हिम्मत कैसी है, माँ बाप की वीक पॉइंट तो बच्चे होते हैं, ये बच्चे को लेकर उन्होंने इतना रिस्क कैसे उठा सकती और हम बस 4 में आके ट्रांसफ्यूशन करती हूँ, इतना रिस्क नहीं उठा सकती। मैं बहुत ग्रेटफुल थैंकफुल डॉक्टर बीआरसी सर के ऊपर, बहुत थैंकफुल ग्रेटफुल डॉक्टर नमिता मैम के ऊपर, ये मैं स्ट्रांग मेंटल सपोर्ट मुझे कहीं से नहीं मिली, कहीं से नहीं, बस यही प्लेटफॉर्म से ही मिली इस सिचुएशन के साथ लड़ाई करने के लिए। और हमारे वाटर इंजीनियर जिन्होंने लास्ट टाइम आके हमें स्ट्रांग मेंटल सपोर्ट दिया सब कुछ कंट्रोल में लाने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू। और उस दिन डॉक्टर जब मुझे कहा था तुम पागल हो गई हो, यहाँ पे RBC टूट जाते हैं, BRC कहाँ से आ गई है। आज मैं उस डॉक्टर को दिखाया था कि RBC ज्यादा टूटते हैं क्योंकि BRC सर के पास गए थे, उन्होंने रोक लिया RBC को। थैंक यू सो मच, थैंक यू।